आज हमारी आपकी चर्चा बाल्यावस्था पर होगी। शिक्षा मनोविज्ञान बीएड सेकंड सेमेस्टर कंपल्सरी पेपर थर्ड यूनिट थर्ड बाल्यावस्था चैप्टर का नाम है। बाल्यावस्था मानव विकास का दूसरा सोपान है जो शैशवावस्था का विस्तारक है। शैशवावस्था में जो विकास हुआ होता है वह आगे चलता रहता है। इस अवस्था में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे शिशु में नहीं होते, इसलिए इसे शैशवावस्था से भिन्न माना जाता है। शैशवावस्था यदि विकास की नींव है तो बाल्यावस्था उसकी आधारशिला है जिसके ऊपर आगामी जीवन का बोझ लगता है। बाल्यावस्था का अर्थ आइए समझते हैं और क्या समय है बाल्यावस्था का। मीनिंग एंड टाइम ऑफ चाइल्डहुड, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था शैशवावस्था की बदलावी अवस्था है। बाल्यावस्था शैशवावस्था की बदलावी अवस्था है। हरलाक के शब्दों में, मनोवैज्ञानिक हरलाक के शब्दों में, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनिक परिपक्वता के आरंभ होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच होती है। लेट चाइल्डहुड एक्सटेंड्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 ईयर टू द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिटवीन 11 and 12 years। इससे स्पष्ट है कि बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। शिक्षा शास्त्री इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज। कुछ अभिभावक इस अवस्था को चुस्ती की आयु कहते हैं, स्मार्ट एज, क्योंकि इस अवस्था में बालक दौड़ धूप खेल कूद आदि में भाग लेने लगता है। और कुछ अभिभावक इसे डर्टी एज कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक गंदा मैला सा लापरवाह दिखाई पड़ता है। और मनोवैज्ञानिक लोग इस आयु को यानी बाल्यावस्था को ग्रुप एज अर्थात समूह की आयु कहते हैं। हॉलिंगवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने इसे मॉरन हार्डल MORON मॉरन हर्डल HURDLE मॉरन हर्डल शब्द से संबोधित किया जिसका मतलब है क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था। हॉलिंगवर्थ के शब्दों में अगर इसे हम परिभाषित करना चाहें तो हॉलिंगवर्थ ने बाल्यावस्था को कहा कि वह अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता और वह क्षणिक भावावेश में परिणाम की परवाह न करके वर्थ के अनुसार बाल्यावस्था की परिभाषा है, वह अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता और वह क्षणिक भावावेश में परिणाम की परवाह न करके काम करता है। ही कैन नॉट सी बियॉन्ड हिज नोज एंड ही एक्ट्स ऑन द इंपल्स ऑफ द मोमेंट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग EB हर्लैक। इससे स्पष्ट है कि बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बीच का समय होता है। इसमें बालक क्रियाशील रहता है, समूह में काम करता है और भावावेशी होता है, परंतु वयस्क जीवन में प्रवेश के लिए सफल प्रयास करता है।
बाल्यावस्था का महत्व, बाल्यावस्था का महत्व कई दृष्टियों से दिखाई देता है। इसका महत्व बताते हुए प्रोफेसर ब्लेयर ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था का की अपेक्षा अन्य कोई अवस्था जीवन चक्र में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसका कारण है कि सही शिक्षा इसी काल से आरंभ होती है। बालक एक ओर परिवार का सदस्य होता है, दूसरी ओर विद्यालय का छात्र होता है और तीसरी ओर समाज में विचरण करने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए वह तीनों से प्रभावित होता है और इस प्रकार उसका विकास समाज, पाठशाला और परिवार के मध्य में होता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, इसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर एक, विकास में स्थिरता और अस्थायित्व। नंबर दो, आत्माश्रिता, सेल्फ डिपेंडेंसी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरा, सामूहिकता की प्रबलता। चौथा, नैतिकता और जनमत के प्रति विचार। पांचवा, बहिर्मुखी भावना। छठा, जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव। सातवां, जिज्ञासा की तीव्रता। आठवां, अनुभवों की वृद्धि व संचय। नौवां, खेल तथा समूह में भाग लेना। दसवां, संचय प्रवृत्ति का विकास, काम प्रवृत्ति का सुसुप्त होना, विविध कार्यों में लगना, सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस और व्यवहारिक कार्यों को करना, विभिन्नता और व्यापकता। इस प्रकार से कुल 14 इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की। एक एक पर चर्चा ऐसे कर लेते हैं। पहला है विकास में स्थिरता और अस्थायित्व। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो कुछ विकास हो जाता है उसे प्रकृति दृढ़ करती है, जिससे कि उसे एक अस्थायी रूप मिल जाए। दूसरा है आत्माश्रिता। शिशु पराश्रित होता है, लेकिन बालक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति 6 से 12 वर्ष के भीतर इतनी बढ़ जाती है कि वह दूसरे के सहारे काम नहीं करता, दैनिक आवश्यकताओं को वह अपने आप कर लेता है। इस प्रकार से वह सेल्फ डिपेंड होकर के अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करने लगता है, ये उसकी विशेषता हो जाती है। तीसरा, सामूहिकता की प्रबलता। एक मनोवैज्ञानिक हैं जे एस रॉस महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था की एक दूसरी विशेषता है - सामूहिकता की प्रवृत्ति का परिपक्व होना। इंग्लिश वर्जन, ए सेकंड वेल मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज द रिपनिंग ऑफ द ग्रेजरियस इंस्टिंक्ट GRAGERIGARIOS ग्रेजरियस इंस्टिंक्ट INSTINCT। रास ने आगे भी लिखा कि इस अवस्था में यह प्रवृत्ति अपने शुद्धतम रूप में पाई जाती है। शिशु की आत्मभावना बालक में परार्थी हो जाती है। चौथा है नैतिकता और जनमत के प्रति विचार। वास्तव में सामाजिकता से नैतिकता प्रादुर्भूत होती है। यदि बालक समाज का कल्याण सोचेगा तो निसंदेह वह सामाजिक प्रथाओं या सामाजिक प्रथाओं को अवश्य धारण कर लेगा। इस प्रकार के विचार धारण करने के लिए नैतिकता जनमत से नियंत्रित होती है, इसलिए बालक समूह जीवन व्यतीत करने के लिए ध्यान रखता है कि उसे पास पड़ोस विद्यालय और समाज के लोग अच्छी तरह से अच्छी निगाह से देखें और अच्छे मत उनके लिए दें। घर में माता पिता, घर के बाहर पड़ोसी, विद्यालय के सहपाठी और अध्यापक तथा समाज में दल के सदस्य और नेता
सभी अपने अच्छे मत उनके संबंध में प्रकट करें। यह नैतिकता और जनमत के प्रति बालक का विचार होता है। पांचवा, बहिर्मुखी भावना। 12 वर्ष की आयु तक व्यक्तित्व बन जाता है। इस संबंध में राष्ट्र ने लिखा है कि 10 या 11 वर्ष का बालक स्वाभाविक तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। द बॉडी ऑफ 10 आर 11 इज नेचुरली एन एक्सट्रोवर्ट अकॉर्डिंग जे एस रॉस। स्वभाव से शिशु अंतर्मुखी होता है, परिस्थिति भी उसे कुछ अपने आप के बारे में सोचने वाला बनाती है, लेकिन बालक अपने आसपास तथा विस्तृत जगत के वातावरण में आकर उसकी जांच करता है और वस्तुओं को जानने समझने की कोशिश करता है। छठा, जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव। राष्ट्र महोदय कहते हैं कि उसकी रुचि प्रमुखतया व्यवहारिक होती है। जो व्यक्ति बाह्य जगत में विचरण करेगा और जो विभिन्न चीजों के बारे में सूचनाएं और ज्ञान संग्रह करेगा, वह निश्चय ही जानना चाहेगा कि जीवन की वास्तविकता क्या है। सातवां, जिज्ञासा की तीव्रता। जिज्ञासा मानसिक परिपक्वता के कारण होती है। जैसे जैसे बालक की मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं और परिपक्वता आती है, वैसे वैसे बालक जिज्ञासु भी होता है। व्यापक पर्यावरण में आने पर विभिन्न वस्तुओं से संपर्क अवश्य होगा, मानव प्रकृति से इन्हें जानने की कोशिश करता है। राष्ट्र ने इस संबंध में लिखा है, ही इज इंटेंसली क्यूरियस एज टू हाउ थिंग्स वर्क्स कामा एंड ही पिक अप ए मास ऑफ इंफॉर्मेशन आर ओ आर वेरियस टॉपिक्स कामा व्हिच इज ए मैटर ऑफ परपेक्चुअल सरप्राइज ऑफ हिज एल्डर्स। फिर से इसको सुन लें। ही इज इंटेंशनली INTENSELY इंटेंशनली क्यूरियस CURIOS CURIOUS क्यूरियस एज टू हाउ थिंग वर्क कमा एंड ही पिक अप ए मास ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स विच इज ए मैटर ऑफ परपेक्चुअल सरप्राइज टू हिज एल्डर्स। इस कथन से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहले, किस प्रकार संसार की चीजें काम करती हैं, अर्थात वास्तविकता क्या है और इसके बारे में विचार क्या है। इसी को जानने के लिए बालक विभिन्न विषयों में ढेर सारी सूचना इकट्ठा करता है। दूसरी बात यह है कि जब बालक आत्मगौरव तथा आत्मसंतुष्टि के लिए यह कार्य करता है तो इसकी जिज्ञासा दिखाई देती है, साथ ही साथ बड़ों को भी आश्चर्य होता है। इससे बालक की मानसिक प्रवणता प्रकट होती है। आठवां है, अनुभवों की वृद्धि व संचय। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से प्रकट होता है कि 5 वर्ष के बाद से स्मरण शक्ति काम करने लगती है और जो जो अनुभव बालक करता है वह इस अवस्था में यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था में उसे याद रहते हैं। इस प्रकार परिस्थिति विशेष में पढ़ने पर वह अपने अतीत के अनुभवों को टटोलता है और सोच विचार के बाद उन्हें स्मरण करके लाभ उठाता है। नौवां है, खेल तथा समूह में भाग लेना। रास का विचार है कि बालक में इस अवस्था में विशेषकर उत्तरार्ध में एक तीव्र भावना पाई जाती है कि वह समूह का सदस्य है और उसके प्रति वह एक दायित्व रखता है जिसके नेता की आज्ञा अनुसार काम करना उसका कर्तव्य है। प्रायः यह भावना खेल और सामूहिक कार्यों में भाग लेने से प्रकट होती है। राष्ट्र ने लिखा है, ही रेवेल्स इन आउटडोर एक्टिविटीज इन गेम्स एंड इन कैंपिंग। ही रेवेल्स REVELS इन आउटडोर एक्टिविटीज
ACTIVITIES activities in games and in camping CAMPING. बालक खेल के मैदान में खेलता है, पार्क या खुली जगह में जाता है, वहां दौड़ धूप करता है, परंतु अकेले नहीं बल्कि वह टोली बनाकर. दसवां है संचय प्रवृत्ति का विकास. इस प्रवृत्ति का संबंध रुचि और आनंद से है. संचय प्रवृत्ति का विकास जब होता है बालकों में तो इस प्रवृत्ति का संबंध रुचि और आनंद से, इंटरेस्ट से और आनंद से हो जाता है. बालक को तस्वीरें, खिलौने, कैलेंडर, टिकट, डिब्बे, पुस्तकें, पत्रिकाएं इत्यादि इकट्ठा करने में कुछ आनंद मिलता है. कुछ दूसरों को ऐसा करते देखकर और कुछ अपने आप ही करते हैं. इसके अलावा वे ज्ञानार्जन के स्रोत भी बनते हैं. ग्यारहवां है काम प्रवृत्ति का सुसुप्त होना. इस अवस्था में यद्यपि शारीरिक वृद्धि होती है, अंगों और इंद्रियों का विकास होता है, फिर भी बालक में कुछ अपरिपक्वता रह जाती है. यह अपरिपक्वता काम प्रवृत्ति संबंधी होती है. चूंकि प्रकृति के अनुसार बालक असक्त होता है, इसलिए इस अवस्था में काम प्रवृत्ति सुसुप्त होती है. बारहवां है विविध कार्यों में लगना. चूंकि बालक बड़ा हो जाता है, इसलिए वह घर, स्कूल, समुदाय और पास पड़ोस में विविध प्रकार के कार्यों के प्रति आकर्षित होता है और उन कामों में अपना समय भी देता है तथा बड़ों के साथ हर समय कार्य में जुटा रहता है. तेरहवां सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस और व्यवहारिक कार्यों को करना. बालक सूक्ष्म कामों को करना कम पसंद करता है, लेकिन ठोस काम करने में उसमें रुचि अधिक पाई जाती है. फलस्वरूप सामाजिक समारोहों का आयोजन, विद्यालयों में अभिनय, नाटक आदि विभिन्न अवसरों पर सजावट, रामलीला में चौकियों की सजावट आदि में बालक काल्पनिक की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक होता है. चौदहवां है विभिन्नता और व्यापकता. चूंकि उम्र बढ़ती है, इसलिए स्वाभाविक है कि बालक को विभिन्न प्रकार के अधिक मात्रा में अनुभव मिलेंगे. इस विचार से उसके अनुभवों का विकास होता है, उसकी रुचि बढ़ती है, उसका ज्ञान व्यापक होता है. इन सब बातों को ध्यान में रखना उसके लिए जरूरी होता है. अब आइए हम चर्चा करते हैं बालक में शारीरिक विकास. ये बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड. हरलाक का कथन है कि बाल्यावस्था का समय धीमा और अपेक्षाकृत एक रूप वृद्धि का होता है. इससे स्पष्ट है कि विकास धीरे धीरे होता है, न कि बहुत तेज. इस अवस्था में शारीरिक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं, लिख लें उसे आप. नंबर एक, शारीरिक परिवर्तन. इस काल में शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों में परिवर्तन पाया जाता है. यह बहुत बारीक यानी सूक्ष्म तौर पर होता है. दूसरा, तीव्र विकास. प्रथम तीन वर्ष में शारीरिक विकास तेजी से होता है, लेकिन बाद के तीन वर्ष में शारीरिक विकास की गति मंद पड़ जाती है. तीसरा, यौनिक अंतर. ऊंचाई में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा आगे होती हैं. विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि लगभग 2 से 3 इंच लंबाई प्रतिवर्ष बढ़ती है. 11 से 12 वर्ष की लड़की की लंबाई लगभग 58 इंच और बालकों की ऊंचाई लगभग 57 इंच होती है. यह विकास अनुवांशिकता के आधार पर भी होता है. तो इस प्रकार से बालक बालिकाओं में यौनिक अंतर भी इस काल में पाया जाता है. हड्डियों की प्रौढ़ता. हड्डियों का विकास इस अवस्था में प्रौढ़ता का आगमन बताता है. हड्डियां इतनी बढ़ती हैं जो प्रौढ़ों के समान होने लगती हैं, उनमें काफी दृढ़ता आ जाती है. भार में वृद्धि. पांचवा, भार में भी विकास होता है. भार में भी लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं.
अध्ययन में पाया गया है कि 11 से 12 साल की लड़की का भार 88 से लेकर के 100 पाउंड तक होता है और लड़कों का 85 से लेकर 96 पाउंड तक होता है। इस प्रकार से भार में वृद्धि बालक बालिकाओं में बाल्यावस्था में होती है। छठा है शारीरिक गठन में दृढ़ता। शारीरिक गठन का प्रभाव शारीरिक लंबाई तथा भार पर पड़ता है। उच्च परिवार में जन्म लेने वाले बालकों की लंबाई और भार साधारणतया निम्न परिवार के बालकों की लंबाई और भार से अधिक होता है। वंश परंपरा तथा पर्यावरण का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। मोटाई में अंतर, अगला पॉइंट सातवां, मोटाई में अंतर। बाल्यावस्था में लड़कों का मोटापा दूर हो जाता है और वे दुबले पतले भी हो जाते हैं। लड़कियां प्रायः लड़कों की अपेक्षा कुछ मोटी हो जाती हैं। आठवां, अस्थाई दांत। इस अवस्था में अस्थाई दांत निकलते हैं और दूध के सभी दांत लगभग गिर जाते हैं। यह भी परिपक्वता की एक निशानी है। नौवां, अच्छा स्वास्थ्य। बालक खेल कूद या इधर उधर घूमने के कार्यों में विचलता है, इसलिए बालक का शारीरिक स्वास्थ्य इस काल में अच्छा हो जाता है। सामंजस्य की क्षमता। बालक में सामंजस्य स्थापित करके परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। बारहवां, कुछ विशेष आदतें। कुछ छोटे परिवारों में बालक सामाजिक समायोजन न करने के कारण अधिक खाने की आदत का विकास कर लेता है, इससे भार बढ़ जाता है। तेरहवां, अंगों में अनुपात। यद्यपि सिर इस अवस्था में भी अपेक्षाकृत बड़ा होता है, लेकिन अन्य अंगों में भी अनुपातहीनता होती है। वह इस अवस्था में धीरे धीरे दूर हो जाती है। मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं, गर्दन लंबी हो जाती है, चेस्ट सीना बड़ा हो जाता है आदि। चौदहवां है साधारण प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक अपने को सवारने सुधारने का ध्यान नहीं रखता। यह अवस्था इसीलिए साधारण अवस्था होती है, इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा गया है। शारीरिक विकास पर पड़ने वाले कारक, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसके निम्न कारक हैं। नंबर एक, बालक की आनुवंशिकता, माता पिता या परिवार के लोगों का बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, पर्यावरण। यह स्वाभाविक है कि भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का विकास बालकों के शारीरिक विकास में पड़ता है। शुद्ध वायु, प्रकाश, जल एवं रहन सहन आदि शारीरिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। तीसरा है भोजन। यह परिवार की दशा पर निर्भर है। पौष्टिक भोजन और पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार खाने से अच्छा स्वास्थ्य बनता है, जिसकी जरूरत इस अवस्था में पड़ती है। चौथा है नियमित जीवन। स्वस्थ जीवन के लिए नियमित ढंग से खाना, नहाना, सोना, काम करना आदि आवश्यक है। अच्छे विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। पांचवां, व्यायाम, खेल और शिक्षा। इसकी पूरी सुविधा बालक के लिए जरूरी है, नहीं तो अस्वस्थता आएगी और बालक कमजोर हो जाएगा शारीरिक रूप से। छठा, उचित व्यवहार। माता पिता, अभिभावक और अध्यापक सभी का व्यवहार स्नेह, प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तभी बालक का उत्तम विकास हो सकेगा। सातवां, परिवार की दशा। अच्छी आर्थिक एवं सामाजिक दशा में बालकों का अच्छा विकास होता है। आठवां, शिक्षा की सुविधा। शारीरिक विकास के लिए स्वस्थ शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास।
मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। आइए इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। शरीर और मस्तिष्क के बढ़ने के साथ साथ विचार करने, स्मरण करने, कल्पना करने, भाषा का प्रयोग करने अथवा विभिन्न कुशलताओं को प्रकट करने और समझने में काफी वृद्धि इस काल में बालकों में हो जाती है। कुछ मानसिक विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं, उसे आप लिखिए। नंबर एक, प्रत्यक्षीकरण तथा ध्यान का विकास। ज्ञानेन्द्रियों के प्रौढ़ होने पर बालक साधारण संवेदन ही नहीं बल्कि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान की ओर भी बढ़ जाता है, इसलिए इस काल में बालक का प्रत्यक्षीकरण और ज्ञान का विकास हो जाता है। दूसरा, विवेक में वृद्धि। अवबोधन और विवेक में वृद्धि इस काल में होती है। अनुभव के बढ़ने से विभिन्न परिस्थितियों की वास्तविकता को जानने की कोशिश बालक करने लगता है। तीसरा, जिज्ञासा की वृद्धि। नई परिस्थितियों तथा नए लोगों के संपर्क होने पर जिज्ञासा की वृद्धि इस काल में बच्चों में हो जाती है। बहुत सी कहानियां पढ़ने, बहुत सी सूचनाएं इकट्ठा करने आदि का बालकों के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, रुचि का विकास। पढ़ने तथा सीखने में रुचि की वृद्धि होती है। यदि बालक को पुस्तकालय का सदस्य बना दिया जाए या किसी ऐसी बाल गोष्ठी में वह सदस्य हो जाए जहां वह पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि की सुविधा पाए, तो वह निश्चित रूप से उसकी रुचियों का विकास हो जाएगा और अच्छी दिशा में उसकी आदतों का निर्माण भी हो जाएगा। पांचवा, भाषा का विकास। भाषा का विकास इस अवस्था में बहुत तेजी से होता है। इसके कारण जिज्ञासा, पढ़ने की रुचि, निरीक्षण, विवेक आदि का विकास भी इस काल में हो जाता है। छठा, शब्द वृद्धि। भाषा के सीखने में कई प्रकार के शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ रखते हैं और जिनका प्रयोग सीमित होता है, व्यवहार संबंधी शब्द, संख्यात्मक शब्द, व्यंग्यात्मक और शपथ शब्द, गुप्त भाषा के शब्द, संकेत शब्द, ये सभी बाल्यावस्था में ही बालक सीख लेता है। इस प्रकार से शब्द वृद्धि का विकास भी इस काल में होता है। सातवां, तर्क का विकास। तर्क का विकास भी अच्छी तरह से इस अवस्था में दिखाई देता है, क्योंकि जिज्ञासा के कारण बालक वास्तविकता जानने की कोशिश करता है और हर बात पर वह तर्क करता है। आठवां, रचना शक्ति का विकास। इस काल में कार्यकुशलता और रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, फलस्वरूप बालक सभी कामों को बड़ी चतुराई और सफाई से करता है। यह विशेषता उसकी लिखावट, सजावट और निर्माण कार्य में कार्यों से प्रकट होती है। नौवां, आदर्श निर्माण। संबंधों को समझने और आदर्श निर्माण करने की क्षमता भी इस अवस्था में पाई जाती है। यही कारण है कि बालक अपने माता पिता, अध्यापक, टोली के नेता तथा समाज के बड़े लोगों के प्रति उचित आवृत्ति रखता है। दसवां, निर्णय शक्ति का विकास। निर्णय शक्ति का विकास होना भी इस अवस्था में पाया जाता है। यही कारण है कि 10 से 12 वर्ष तक बालक उचित और अनुचित, दुखद और सुखद, लड़ाई और शांति, अच्छा और बुरा, स्नेह और प्रेम, देश और घृणा आदि में अंतर वह कर लेता है और उचित, अच्छे और प्रिय और सुखद कार्यों को ही वह पसंद करता है। ग्यारहवां है, समस्या हल का विकास। समस्या हल करने की क्षमता भी 10 से 12 वर्ष के बालकों में अच्छी मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है कि वह पहेली बूझना भी इस काल में प्रारंभ कर देता है। पहेली पूर्ण तथा समस्यात्मक खेलों और क्रियाओं में वह भाग लेता है और परिस्थितियों का वह मुकाबला भी कर लेता है। मानसिक विकास पर प्रभाव डालने वाले कारक, इसके निम्न कारक हैं। नंबर एक, अनुवांशिकता। गेट्स ने लिखा है कि किसी व्यक्ति का विकास
उससे अधिक नहीं हो सकता जितना कि अनुवांशिकता से संभव है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुवांशिकता का प्रभाव बालकों के मानसिक विकास पर पर्याप्त मात्रा में पड़ता है। दूसरा, पर्यावरण। इसका भी प्रभाव मानसिक विकास पर पड़ता है। इसमें परिवार, विद्यालय और समाज का वातावरण बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तीसरा, स्वास्थ्य। बालक के स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। एक रोगी बालक का मानसिक विकास रुक जाता है, उससे उसमें कुंठा आ जाती है। चौथा, शिक्षितों का साथ। माता पिता तथा पास पड़ोस के शिक्षित लोगों का संपर्क भी शिक्षा को प्रेरणा देता है, उससे मानसिक विकास शीघ्र और अधिक मात्रा में बालकों में हो जाता है। पांचवा, घर के अन्य बालकों की शिक्षा। घर के यदि एक बालक को शिक्षा मिले तो दूसरे को उससे प्रेरणा एवं प्रभाव प्राप्त होता है और सभी का मानसिक विकास स्वतः होने लगता है। शिक्षा देने वाले विद्यालय और अध्यापक, माता पिता, इन सब का भी प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। सातवां, शिक्षा की सामग्रियों की प्राप्ति। अभिभावक, अध्यापक एवं प्रशासक का कर्तव्य है कि वे शिक्षा की सामग्रियां उपलब्ध करें। व्यक्तिगत रूप में तथा विद्यालय के पुस्तकालय में बालकों को ऐसी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं जिससे उनका मानसिक विकास आसानी से हो सके। अब अगला पॉइंट है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में संवेगों, मूल प्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों सभी का विकास होता है। जो निम्न है, नंबर एक, जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास। 6 से 7 वर्ष की आयु में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। मोटर, रेडियो, घड़ी और अन्य सामानों को देखकर उसके बारे में बालक यह प्रश्न करने लगता है, इन्हें वास्तविक रूप में जानने के लिए उसे छूता है, उलटता पलटता है, खोलता है और अपनी प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। दूसरा, संचय रचना का विकास। इस काल में बालक में संचय करने की क्षमता आ जाती है। रचनात्मक और सामाजिकता की मूल प्रवृत्तियों का भी विकास इस काल में हो जाता है। संचय प्रवृत्ति के कारण वह लिफाफे, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि बहुत सारी चीजों को वो संचय करने लगता है और रचना प्रवृत्ति के कारण उसमें खिलौने, गुड़िया, वस्त्र और हस्तकौशल संबंधी वस्तुओं का भी निर्माण करने का उसमें कौशल उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है काम प्रवृत्ति का विकास। इस काल में काम प्रवृत्ति का भी विकास पाया जाता है। कामुकता का रूप समलिंगी या स्वलिंगी होता है, इसलिए इस काल में माता पिता को चाहिए कि घर का ऐसा वातावरण दें कि जिससे उनकी चेतना ऐसी जागृत हो कि जिससे वे गलत राह को न पकड़ें। संवेगों का विकास, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम आदि संवेगों का विकास भी इस काल में बहुत तेजी से होता है। इस काल में बालक अपने मित्र बनाते हैं, मित्रों से अलग ढंग से वे अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं। इन्हीं संवेगों के आधार पर बालकों में आदतों का विकास होता है। पांचवा, सामान्य प्रवृत्तियों का विकास। इस अवस्था में कुछ सामान्य प्रवृत्तियां जैसे सहानुभूति, संकेत तथा खेल की सामान्य प्रवृत्तियां काफी तेजी से विकसित होती हैं। छठा, नैतिकता और चरित्र का विकास। नैतिकता, विनम्रता और चरित्र का विकास इस अवस्था की एक प्रमुखता है। सामान्य प्रवृत्तियों के विकास में
बालक में नैतिकता और विनम्रता पाई जाती है। बालक माता पिता, मित्र, सहपाठी, सहकर्मी के साथ विनम्र होकर व्यवहार करता है, उनका आदर और सम्मान करता है, वह आदर्श निर्माण के लिए प्रयत्नशील होता है, उसका चरित्र भी बनता है। इस विचार से यह अवस्था आदर्श और चरित्र निर्माण की भी है। दिस इज ए स्टेज ऑफ आइडियल एंड करेक्टर फॉर्मेशन आल्सो। सातवां, संवेगों का नियंत्रण। इस अवस्था में बालक अपने संवेगों की बाह्य अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना सीखने के लिए तीव्र अभिप्रेरण करता है। हरलाक ने लिखा है, हेंस ए चाइल्ड एक्वायर्स ए स्ट्रांग मोटिवेशन टू लर्न टू कंट्रोल द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ हिज इमोशन। इस नियंत्रण के कारण वह समाज को अमान्य और अपसन्न करने वाले संवेगों को अभिव्यक्त नहीं करता। सामान्यतः बाल्यावस्था में संवेगों की सुखद अभिव्यक्ति होती है। इससे बालक हंसता है, मजाक करता है, चुटकी लेता है अथवा अन्य ढंगों से अपना आनंद और मनोरंजन व्यक्त करता है। आठवां, संवेगों की अभिव्यक्ति में भिन्नता। बाल्यावस्था में बालक की बुद्धि में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वह अपने अनुभवों में विस्तार कर लेता है। परिणाम स्वरूप उसके संवेगों की अभिव्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। कुछ समान संवेग। नौवां, बाल्यावस्था के समान संवेगात्मक प्रतिदर्श हैं, जैसे भय, चिंता, व्यग्रता, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, खुशी, ये सब संवेग इस काल में पाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट है, संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालने वाले कारण, यानी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारण। इसके निम्न कारक हैं, नंबर एक, अनुवांशिकता। माता पिता के गुणों का प्रभाव बालकों के संवेगों पर पड़ता है। प्रायः चिड़चिड़े बालक यह गुण अपने पूर्वजों से ही पाते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण का प्रभाव भी बालकों पर, बालकों के संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। परिवार का पर्यावरण, परिवार के लोगों का व्यवहार, परिवार की परिस्थिति, सामाजिक पर्यावरण, विद्यालय का पर्यावरण आदि चीजें जो हैं वो बालकों के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालती हैं। तीसरा, स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का प्रभाव संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। बीमार बालक जो होते हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन होता है। असंतुष्ट बालक जो होते हैं उनका स्वभाव लड़ाकू होता है। इस प्रकार से स्वास्थ्य का भी प्रभाव संवेगों पर पड़ता है। थकान एवं विश्राम। थके हुए बालक में खिन्नता होती है, विश्राम पाने वाले बालकों में प्रफुल्लता पाई जाती है। अगला, सामाजिक स्वीकृति। समाज में सम्मान न मिलने पर बालकों में कुंठा का विकास होता है। इससे संवेगात्मक विकास अनियमित हो जाता है, अर्थात रुक सा जाता है। छठवां, बुद्धि। बुद्धि कम होने से संवेगात्मक संतुलन नहीं होता और विकास रुक जाता है। इसके विपरीत तीव्र बुद्धि के कारण संवेगात्मक विकास उचित रूप से होता है। सातवां, दंड और पुरस्कार। इसका प्रभाव भी संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। संवेदनशील बालकों को दंड देने पर वे अधिक रुष्ट होते हैं या भयभीत हो जाते हैं। पुरस्कार से उनको बल मिलता है और वो संवेगात्मक विकास अच्छी तरह से होता है। आठवां, शिक्षक, अभिभावक और प्रशासक के दृष्टिकोण। आधुनिक समय में विद्यालय, घर एवं परिवार समाज के सम्मिलित व्यवहार से संवेगात्मक विकास अच्छी तरह से होता है। इसलिए शिक्षक, अभिभावक और माता पिता आदि का दृष्टिकोण संवेगात्मक विकास को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सहानुभूति, प्रेम, सहयोग आदि का प्रयोग करके संवेगों का विकास बालकों में किया जा सकता है।
बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अगला पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में बालक का ध्यान घर से बाहर की क्रियाओं की ओर होता है, क्योंकि वह बड़ा हो जाता है तथा घर के छोटे समूह को छोड़कर संसार के बड़े पर्यावरण और समूह में आता है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें सामाजिक विकास तीव्रता से होता है। सामाजिक विकास की विशेषताएं निम्न है। नंबर एक, समूह भाव। हरलाक कहते हैं, द चाइल्डहुड गैंग इज मेड अप ऑफ बॉयज और गर्ल्स ऑफ सेम एज हूज प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन हैविंग ए गुड टाइम टुगेदर। इस अवस्था को टोली या समूह आयु भी कहते हैं। समूह बनाकर बालक सीखता है और किस प्रकार समाज में समायोजन करे और उसका सामाजिक जीवन यानी गृह विद्यालय समुदाय उसमें कैसे वो सफलता प्राप्त करे, इसके फलस्वरूप उसे प्रसन्नता और सुख मिले। टोली में नेता और अनुयायी की भावना का विकास आज इस काल में हो जाता है। दूसरा, समाज केंद्रित भावना। वह केंद्रित परार्थी और शांत होता है, इसलिए समाज में वह अनुकूलन की समस्या से उभर जाता है, यानी समाज में वो अनुकूलन कर लेता है, इसलिए समाज के निज भावना का विकास इस काल में हो जाता है। सामाजिक सम्मान की प्रबलता। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति की प्रबलता बालक में पाई जाती है। यहां उसके आत्मगौरव की प्रवृत्ति काम करती है, इसलिए कुछ बालक शुरू से ही आत्मोच्चता की भावना ग्रंथि के शिकार हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये नेता बनने की इच्छा करते हैं। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति सामाजिक सहयोग और सहकारिता में भी प्रकट होती है, जिसके लिए बालक प्रयत्नशील रहते हैं। चौथा, समूह भक्ति, लॉयल्टी टू ग्रुप आर गैंग। समूह भक्ति की भावना का विकास इस काल में बड़ी तेजी से होता है। इसके कारण समाज और उसकी संस्थाओं में संघर्ष भी होता रहता है। समूह के नेता का सम्मान करने के लिए बालक अपने माता पिता और अध्यापक से संघर्ष कर बैठते हैं। इस प्रकार से समूह शक्ति का विकास भी इस काल में होता है। अगला है सामाजिक भावना का विकास, जिसको हम कहते हैं औपचारिकता। सामाजिक भावना का विकास इस अवस्था में ठीक तरह से न होने पर यह सामाजिक उपचार डेलिंक्विंसी DELINQUENCY का रूप धारण करता है। फलस्वरूप खेलने की बजाय बालक बगीचों में फल फूल तोड़ते हैं और समाज की संपत्ति को नष्ट करने लगते हैं। छठा, खेल की प्रचुरता। खेल की क्रियाओं की प्रचुरता इस अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में रचनात्मक खेल, ड्राइंग, चित्रकला, मिट्टी, लकड़ी, कागज आदि के कार्य, मनोरंजन की क्रियाएं, पढ़ाई, सिनेमा, रेडियो, टीवी आदि की प्रचुरता बालकों में इस काल में पाई जाती है। सातवां, सामाजिक गुणों की अधिकता। इस अवस्था में उत्तरदायित्व, प्रतियोगिता, सहयोगीपन, श्रमशीलता आदि सामाजिक गुणों का विकास बालकों में हो जाता है। आठवां, सामाजिक हित की भावना। मनोवैज्ञानिक टीपी नन है, उनके शब्दों में द बॉय स्टिल रिगार्ड्स द वर्ड्स एज हिज ऑयस्टर बट डिमांड्स द हेल्प एंड काउंटेंस ऑफ अदर इन ओपनिंग इट। इसका मतलब है बालक संसार को सीपी समझता है, जिसमें वह मोती की तरह रहता है और उसे खेलने के लिए वह दूसरों की सहायता चाहता है और उनके मुख की ओर देखता रहता है, यानी समाज की अपेक्षा करता है। ये समाज हित की भावना इस काल में डेवलप हो जाती है। नौवां है सामाजिक चेतना की जागृति। बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में, जबकि यह प्रारंभिक विद्यालय की अंतिम कक्षा में होता है, तो उसमें सामाजिक चेतना बड़ी मात्रा में आती है।
जिसके बल पर वह दूरस्थ और भिन्न सामाजिक प्रदर्शों और संस्कृतियों को जान जाता है और उसका समाजीकरण हो जाता है। सामाजिक विकास पर प्रभाव डालने वाले कारक, इसके निम्न कारक हैं, नंबर एक आनुवंशिकता, नंबर दो पर्यावरण, नंबर तीन परिवार की परिस्थितियां, नंबर चार समूहों की स्थिति, नंबर पाँच विद्यालय, नंबर छः शिक्षक, नंबर सात खेल कूद और अन्य क्रियाएँ, नंबर आठ शारीरिक विकास, नंबर नौ मानसिक विकास, नंबर दस संवेगात्मक विकास। इतनी चीज़ें हैं जो सामाजिक विकास पर प्रभाव डालती हैं।